अब हम यहाँ एक परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। इस चर्चा के लिए मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी राज्यसभा सांसद आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी को। साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगी एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप के सीनियर एडिटर श्री रोहिल आमीन जी को कि वे मंच पर आए और इस परिचर्चा को मॉडरेट करें। थैंक यू, शुक्रिया। आज पूरा दिन इन चीज़ों पे चर्चा हुई, टेलीविजन, इनफैक्ट एक हफ्ते से हम इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं मीडिया पे, और आज हिंदी पत्रकारिता, टीवी, डिजिटल, प्रिंट, सबको लेके बातें हुई और कुछ ऐसी चीज़ें उभर के आई। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं आपसे वो पूछ सकता हूँ। पहला एक बात जो मेरे जहन में है बहुत टाइम से, पिछले एक हफ्ते से पर्टिकुलरली, कि लोग कहते हैं कि टीवी न्यूज़ इज़ एन आईसीयू, किसी ने ऐसे कहा। चूँकि आप यू नो नो बडी बेटर देन यू, टू बिगिन विद आपकी इस चीज़ पे क्या राय है जब लोग ऐसा बोलते हैं कि टीवी न्यूज़ इज़ एन आईसीयू, इट इज़ नॉट डेड? हाउ वुड यू लाइक टू काउंटर दैट? मैं मानता हूँ कि टीवी और प्रिंट या डिजिटल जो भी आप मीडियम देखेंगे तो उसको आपको संदर्भ में देखना पड़ेगा। इमीडिएसी एंड अर्जेंसी ऑफ न्यूज़ विल ऑलवेज रिमेन, यानी कि जब जो घटना जब घट रही है तब वो रेलेवेंट है आपके दर्शक के लिए, आपके व्यूअर के लिए। उसका माध्यम बदल सकता है, वो टेलीविज़न के माध्यम से देखे या लाइव स्ट्रीम करके डिजिटल माध्यम से देखे, लेकिन उससे जो वेरासिटी है न्यूज़ की वो कम नहीं हो जाती है। तो दो ऐसे कॉन्टेंट हैं, टेलीविज़न एंड स्पोर्ट्स, जिनकी लाइव में बहुत मान्यता है और हमेशा रहेगी। अगर आप एंटरटेनमेंट और म्यूज़िक की बात करें तो इस तरह से जो माध्यम बदले हैं, आप जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, आप एंटरटेन हो सकते हैं अपने घर में, अपने फ़ोन पर विस्तार से जब भी आप देखना चाहें, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, कोई भी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। बट व्हेन इट कम्स टू न्यूज़ और स्पोर्ट्स, उसका जो लाइव क्वोशेंट है वो रिप्लेसेबल नहीं है। ये मीडियम का नेचर है, आप सेटअप बॉक्स पे देखें या लाइव स्ट्रीम पर देखें, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उसकी इमीडिएसी एंड अर्जेंसी वैसी ही है जैसे टेलीविजन में थी और आगे भी वैसी ही रहेगी। पहली बात तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरी बात, माध्यम बदलते रहते हैं। अगर आप बात करें जब न्यूज़पेपर छपने शुरू हुए थे, उसके बाद रेडियो आया, उसके बाद टेलीविज़न आया, और अब डिजिटल डिस्पेंसेशन के अंदर, तो माध्यम हर अंतराल पे बदलते रहे हैं। लेकिन उससे एक चीज़ नहीं बदली जो डिजिटल मीडियम में सबसे बड़ा चेंज आया है। जब आपके पास अखबार शुरू हुआ, रेडियो आया, टेलीविज़न आया, तो इन सब चीज़ों में एक कॉमनैलिटी थी, एक कंटेंट है और एक रीच है। कंटेंट बनाना एक वर्टिकल है और रीच एक दूसरी वर्टिकल है। यानी कि अगर आप रेडियो की बात कर रहे हैं और प्रिंट की और टेलीविज़न में, आपने जैसे राधा जी ने कहा कि रीच में कितना पैसा लगा रहे हैं, कितने लोगों तक पहुंच रहा है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, मोर नाचा जंगल में देखा किसने, राइट? तो वही चीज़ आपको बार बार बताई जाती है। पहली बार ये कॉस्ट करेक्शन हो रहा है, जहाँ पर अगर आपके पास कॉन्टेंट अच्छा है तो उसकी डिस्कवरी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द रीच दैट यू आर पुटिंग। इसको मैं एक मिनट और लेकर थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट इकोनॉमी, यानी कि जो एफिशिएंसी इनएफिशिएंसीज हैं आप उसको रिमूव करने का काम कर रहे हैं। जो रीच है, जो एक रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस है, वो एक इनएफिशिएंसी है मार्केट इकोनॉमी के अंदर। जब आप उसको निकाल लेंगे तो कॉन्टेंट विल बी द ड्राइवर, डिस्कवरी, रीच के पैरामीटर्स थोड़े चेंज हो जाते हैं कि हैशटैग क्या है, टाइम क्या है, कितने बजे पब्लिश हुई स्टोरी या कितने बजे आपने वीडियो कंटेंट अपलोड किया, उसकी रिलेटेबिलिटी क्या है, ऑल ऑफ दोस फैक्टर्स कम इन टू प्ले। बट रीच इज नॉट ऑन द अकाउंट ऑफ हाउ मेनी प्लेटफॉर्म्स यू आर अवेलेबल ऑन, और या फिर आपकी सर्कुलेशन कितनी है, या आपके पास कितने FM के रेडियो के लाइसेंसेज हैं, रीच उससे डिफाइन नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है बिटवीन डिजिटल एंड ओल्ड मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया। लेकिन इसका कुछ और इम्पैक्ट भी आता है। वी हैव मूव्ड फ्रॉम अ बेसिकली फ्रॉम अ रिएक्टिव मीडियम टू अ प्रोएक्टिव मीडियम। रिएक्टिव मीडियम, जैसे अगर आप एक अखबार पढ़ते हैं तो द ह्यूमन ब्रेन इज कन्फिगर्ड टू रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
दैट इज़ हाउ वी रीड, वी डोंट रीड राइट टू लेफ्ट. एंड जब आप अखबार खोलते हैं और पढ़ते हैं, जैसे सामने बैठे पढ़ रहे हैं अभी, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप स्टोरीज पढ़ते हैं, आप हेडलाइन पढ़ते हैं, आप बायलाइन पढ़ते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप वो स्टोरी पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते. हो सकता है आप स्टोरी से सहमत हो सकता है आप स्टोरी से असहमत हो, लेकिन फिर आप फैसला करते हैं कि मैंने ये स्टोरी पढ़नी है नहीं पढ़नी है. ये ऑप्शन डिजिटल मीडिया में नहीं है, क्योंकि यू हैव मूव्ड फ्रॉम अ रिएक्टिव मीडियम टू अ प्रोएक्टिव मीडियम. यू आर नॉट रिएक्टिंग, यू आर अ सीकर. आप सीक कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन और अपने पैरामीटर्स को डिफाइन करके सीक कर रहे हैं कि मुझे ये खबर देखनी है, इस तरीके से देखनी है, और उसके ऊपर से AI का कहर. तो आपको तो सिर्फ वही मिलेगा जो आप देखना पसंद कर रहे हैं, आपको अल्टरनेटिव ओपिनियन तो मिलेगा ही नहीं. जब आप अखबार में खबरें पढ़ते थे तो जिस विचारधारा से या जिस खबर से आप सहमत नहीं होंगे वो भी पढ़ते हैं, और वो पढ़ने के बाद आप इस फैसले पे पहुंचते हैं कि क्या ये खबर सही है या गलत है, या क्या मैं इसे सहमत हूं या असहमत हूं. लेकिन अब डिजिटल डिस्पेंसेशन में ऐसा नहीं है, अब तो आप सीख कर रहे हैं खबर, और जैसी खबर आप सीख कर रहे हैं वैसी ही आपको मिल रही है, और वैसी ही और मिलती रहेगी. तो ऑल्टरनेटिव ओपिनियन आने का मतलब ही नहीं है. कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि डिजिटल डिस्पेंसेशन में टेक्स्ट और वीडियो दो चीज़ें हैं जो अलग तरीके से कंज्यूम हो रही हैं. उसका सपोर्ट सिस्टम इन इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स चेंज नहीं हो रहे हैं. बल्कि हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है कि कॉन्टेंट इज किंग. अगर मैं सच बोलूं तो डिजिटल डिस्पेंसेशन में कॉन्टेंट विल रियली रिमेन द किंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन ऑफ मनीज विल गो इन टू कॉन्टेंट जनरेशन एंड नॉट टूवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन, रीच एंड ऑल अननेसेसरी इनएफिशिएंसीज. And that is the difference between digital and traditional media. So to answer your question, television will yes remain. Television rahega, bahut lambe samay tak rahega, alag alag manifestations mein rahega, uske madhyam badalte rahenge, lekin usko aap television badal jayega ye maan le, ye main nahi manta hu ki sambhav hai. Absolutely, absolutely. Thanks for sharing the insights. Ek aur sawal jo aksar television pe television ke liye bola jata hai ki टॉक्सिसिटी जो है वो टेलीविज़न न्यूज़ रूम से आती है. एक और बात है जो वी हैव टू नोट कि ने कहा कि जो भी हम ट्विटर पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसका सोर्स क्या है. पावरफुल मीडियम, एट द सेम टाइम टॉक्सिसिटी भी इसके साथ एसोसिएट होती है. एज अ प्रमोटर, इज़ दैट अ कंसर्न फॉर यू? आपके लिए ये एक कॉन्वर्जेशन बन चुकी है? आर यू ट्राइंग टू एड्रेस इट? हु आर जर्नलिस्ट एंड एडिटर्स? They are human beings, people like you and me, people sitting in the audience. They have an opinion. Unki bhi ek vichardhara hai, unki bhi ek soch hai, and they are entitled to their opinion. Main aapko judiciary ka example deta hoon. Very often it is said ki jab ek judge ek न्यायपीठ पे बैठता है तो फिर जब वो फैसला देता है न्यायपीठ पे बैठ के तो वो अपने आप को सारी दुनिया से अलग कर लेता है और इंडिपेंडेंटली एक फैसला देता है. पर ये हमें पता है कि कहनी कथनी और करनी में फ़र्क है. So every individual, rightfully so, has the right to have an opinion and also express it. But having said that, कुछ मानक हैं पत्रकारिता के, कुछ मापदंड हैं पत्रकारिता के, जिनको रखते हुए traditional media अपना journalism exercise करता है, अपनी powers exercise करता है. और यहाँ पर traditional media को एक advantage है कि उनका जो system of checks and balances है, जो system story को check करना, ascertain करना, खबर की पुष्टि करना, और अपने तरीके की जिस तरीके से आप खबर की तह तक पहुंच सकते हैं, ये ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है. मुझसे पहले कुछ पैनलिस्ट बैठे थे, वो बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट मीडिया की. ये इंडिपेंडेंट मीडिया किसने कॉइन किया टर्म? क्योंकि आप एक मीडिया हाउस में नहीं काम कर रहे इसलिए आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं? क्यों आप अकेले कर रहे हैं इसलिए आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं? ये बात कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन एवरी वन इंक्लूडिंग देम हैव द राइट टू वॉइस देयर ओपिनियन. और जो लोग काम भी करते हैं मीडिया संस्थानों में या ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके पास भी राइट है. लेकिन जब आप एक स्टोरी रन कर रहे हैं, आप एक पैकेज बना रहे हैं, आप एक डिटेल स्टोरी कर रहे हैं, तो आप तथ्यों पे ही जाएंगे. जो फैक्ट्स आपके सामने हैं, उनकी पुष्टि हुई है, उसी पे जाएंगे. आप अपने ओपिनियन को एम्पलीफाई नहीं करने आए हैं वहाँ पर. ये जर्नलिज्म नहीं है. उसके लिए आपके सोशल मीडिया है, आप अपने ओपिनियन रखिए सोशल मीडिया पे, उनको एम्पलीफाई करिए. जो सहमत होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, जो असहमत होंगे वो आपके अगेंस्ट जाएंगे. बट वाई इज इट दैट वी गेट मिक्स्ड अप बिटवीन द टू? इट इज अ प्रोफेशन, अ सीरियस प्रोफेशन, अ सीरियस बिजनेस, जस्ट लाइक एनी वन एल्स.
क्या हम ये क्यों नहीं कहते कि किसी और बिजनेस में जाकर वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप क्यों नहीं करते काम, अपने तरीके से क्यों नहीं करते हैं? आप किसी कारखाने में चले जाइए, होटल इंडस्ट्री में चले जाइए, वो अपने तरीके से क्यों नहीं करते हैं काम? वो भी कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस एंड सिस्टम इज बेस्ड ऑन एफिशिएंसी एंड एफिकेसी एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट. तो इसको बिलिटल करना या उसको उससे उसकी सैंटिटी रिमूव करना इज नॉट बीइंग फेयर टू द प्रोफेशन. और एंड जैसे अनुराधा जी ने मुझसे पहले कहा कि यू शुड नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू इट इज, आप आंखें खोल के इस बिजनेस में प्रोफेशन में आ रहे हैं और ये प्रोफेशन आसान नहीं है. और जिन लोगों को लगता है ये बहुत लुभावना है वो उनको रियलिटी पता होनी चाहिए कि इट्स नॉट ए ईजी प्रोफेशन. तो नॉट टू डिसवेड यंगस्टर्स बट टू एक्चुअली फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि वॉट इज रिक्वायर्ड एंड वॉट इज नीडेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. I have two quick questions. एक हम देख रहे हैं कि किसी ने एक पॉइंट रेज किया, माई कॉन्वर्जेशन इज लॉट व्हाट आई हर्ड अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कि हमने सिटीजन जर्नलिज्म को एक यू नो वी टेकन इट इन आर मीडिया, वी से सिटीजन जर्नलिज्म, बट यू डोंट से सिटीजन डॉक्टर, यू डोंट से सिटीजन इंजीनियर, राइट? मैं सिटीजन जर्नलिज्म को इस, इज इट वैलिड, माय पॉइंट इज इट वैलिड टू, इट इज वेरी वैलिड, से दैट एनीवन कैन प्रैक्टिस जर्नलिज्म व्हेन नन अदर प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस बाय एनीवन एंड एवरीवन. इट इज वेरी वैलिड फॉर अ सिंपल रीजन कि देखिए मतलब यहाँ पे काफी सीनियर एडिटर्स और जर्नलिस्ट हैं, नमस्कार सर, हमारे बड़े कुलीग भी हैं और सीनियर भी हैं हरिवंश जी. तो मैं आपके बारे में नहीं सर, बट जनरली एक बात बोलना चाहूँगा कि हमें मुगालता हो जाता है इस इंडस्ट्री में रहकर कि हमें ही पता है कि लोग क्या पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं. तो जो डिजिटल एरा है इसने एक बात आईने की तरह साफ कर दिए लोगों को कि कंज्यूमर इज द किंग. जो कंज्यूमर है वो किंग है. और अल्टीमेटली सिटीजन जर्नलिज्म इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि इन मेनी वेज द सिटीजन हैज बिकम द एडिटर नाउ. अब वो चुन रहे हैं कि वो क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं देखना चाहते हैं. जो मैंने पहले कहा कि हम एक रिएक्टिव मीडियम से प्रोएक्टिव मीडियम में चले गए हैं, तो इसका मतलब आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि आप सारा कॉन्टेंट देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या है. आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं. और इसीलिए द व्यूअर हिमसेल्फ और हर सेल्फ हैज बिकम एडिटर इन मेनी वेज. सो सिटीजन जर्नलिज्म इज वेरी रेलिवेंट बिकॉज नो बिजनेस इज devoid, because ultimately it is a business no matter what you say, and until unless it is not a business in a commercial establishment it will not have longevity. ye lambe race tak nahi chal payega koi bhi business jab tak wo nahi samjhega. to citizen journalism is more relevant today than ever before. my final question, tech or newsroom ka ek you know ek naya what combination ban raha hai, and we have seen what is happening in early conversations on ai anchors and all of that. How fast is tech interfering with newsroom delivery of news and even making of news, you know? देखिए इसमें तो अभी ना तो मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वॉट आई कैन से एंड वॉट लिटल आई अंडरस्टैंड ऑफ दिस टॉपिक इज कि इट इज़ वेरी डेंजरस वैन द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग मीट्स द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वैन दिस हार्डवेयर एंड दिस सॉफ्टवेयर विल कम्बाइन, the infinite possibilities that will come out of it are unimaginable. I don't know if you are aware of it or not, but 10,000 people who are authorities on this subject, including companies like Google, Microsoft, all of them have given in writing that AI should be stopped over here. ye likhit mein de chuke hain. jab Google ke CEO Sundar Pichai se ye baat puchi gayi ki agar aap ye keh rahe hain ki isko rok dena chahiye to aap as a company kyun nahi rokte, to keh rahe hain ki hum एबसेंशिया में नहीं काम कर सकते, अगर सब काम कर रहे तो हमें भी करना पड़ेगा, अगर ये कंसेंसस बनेगा कि सब रुकेंगे तो हम रुकेंगे. ये सिर्फ आपको बताता है कि ये इतना अनसर्टन फ्यूचर है. आप सोचिए कि इस वक्त जो सुपर कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे हैं वो 300 बिट्स की हैं, और वो सुपर कंप्यूटिंग जब क्वांटम कंप्यूटिंग में जाकर एआई से मिलेगी तो देर इज़ नो एंड टू व्हाट कैन बी प्रोसेस्ड, एंड देयर मशीन लर्निंग हैज़ नो एंड. तो ये कहाँ रुकेगा, इसका क्या रूप स्वरूप होगा, मीडिया इंडस्ट्री तो छोड़िए, ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए. हमारे यहाँ शायद इतना काम नहीं हो रहा है आज इंडिया में, पर ग्लोबली इस पर बहुत काम हो रहा है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है.
I think the next big conversation is this, but I thank you because we are coming close to the award ceremony. Shukriya Karthik. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thanks so much.